नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मेरा नाम है अंकुर पांडे। पश्चिम बंगाल के बालुरघाट में एक बीजेपी नेता ने खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ पर जमकर कुर्सियां फेंकी और उसे घायल कर दिया, जिसके बाद बीडीओ के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रहा है। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। आपने मार पिटाई के कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस तरह का वीडियो नहीं देखा होगा। यहाँ एक दबंग बीजेपी नेता का गुस्सा इतना हाई हो गया कि उसने ना आगे की सोची ना पीछे की, बस खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ से मारपीट की। इतना ही नहीं, उस पर जमकर कुर्सियां भी फेंकी, जिससे वो घायल भी हुआ है। मामला पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर के बालुरघाट का है। यहाँ साल 2018 में हुए पंचायत चुनाव में डांगा पंचायत की 19 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज हुई। वहीं टीएमसी पार्टी की झोली में 9 सीटें आई थी, जिसके बाद बीजेपी ने एक बोर्ड का गठन किया था। लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और इस खेल के मद्देनजर ही बीजेपी का प्रधान टीएमसी में शामिल हो गया, जिसके बाद दोनों दलों की समान सीटें हो गई। वहीं टीएमसी के एक सदस्य की मृत्यु के बाद बीजेपी को एक सीट की बढ़ोतरी हो गई। फिर बीजेपी ने प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए पंचायत कार्यालय में बैठक बुलाई, जिसमें बीडीओ तो नहीं आए लेकिन उनके प्रतिनिधियों ने शिरकत की। बीडीओ के प्रतिनिधियों ने बीजेपी को बहुमत दिलाने के लिए कहा तो बीजेपी नेता नाराज हो गए और वो कहने लगे हमारे पास पर्याप्त सदस्य हैं। लेकिन अधिकारी इस बात से सहमत नजर नहीं आए, जिसके कारण तनाव हुआ और बीजेपी प्रस्ताव को पेश नहीं कर सकी, जिसके बाद नाराज बीजेपी नेता बीडीओ के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कुर्सी पर बैठे बीडीओ की पहले तो क्लास लगाई, फिर एक कुर्सी दे मारी। जब इतने से भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन पर एक कुर्सी और फेंक दी और कच्छ से बाहर चले गए। इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बता दें, बीडीओ को इसमें कई चोटें आई हैं और वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घायल बीडीओ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब सवाल है कि क्यों शासन में बैठे लोग ये भूल जाते हैं कि काम आखिर प्रशासनिक अधिकारियों को ही करना है, उनके साथ इस तरह का बर्ताव सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।